नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो चुका है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और हर पार्टी अपने नफा नुकसान के साथ अपने कदम को आगे बढ़ा रही है या पीछे कर रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष को धराशायी करने के लिए चाल चल रहा है तो विपक्ष भी सत्ता के तीर को रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है। अब तो सत्ता ने ऐसी चाल चली है कि विपक्ष घायल हो गया है और विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। जानकारों की माने तो मोदी और शाह ने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाकर विपक्ष पर बढ़त बना ली है और बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया है उसके 10,000 वोट पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अगर नवीन पटनायक एनडीए को वोट नहीं करते तो फंस जाएंगे। जी हां, मोदी ने एक तीर से दो निशाना कैसे लगाया ये बात हम आपको आज यहां पर बताने जा रहे हैं। जानकारों की माने तो आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जिनका नाम गिरीश मुर्मू था और जब गिरीश मुर्मू कश्मीर से हटाए गए तो उनको मोदी ने कैग का निदेशक बना दिया। कहा जाता है कि गिरीश गुजरात कैडर के अधिकारी हैं और जब से मोदी केंद्र में स्थापित हुए हैं तभी से वो मोदी के सबसे खास लोगों में से एक हैं। मोदी ने पहले उन्हें वित्त मंत्रालय में रखा, फिर राज्यपाल बनाया और अब कैग के बड़े अधिकारी हैं वो। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ओडिशा के मयूरभंज जिले से आते हैं वो और यहीं से आती हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। और इसी बात को लोग कह रहे हैं कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है क्योंकि नवीन पटनायक अब फंस गए हैं। अपने प्रदेश और मयूरभंज जिले के दो रत्नों का विरोध वो अब कैसे करेंगे और मोदी ने मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर मयूरभंज और ओडिशा को डबल गिफ्ट दिया है। न्यूज एजेंसी ANI से फोन पर बात करते हुए मुर्मू ने कहा कि वो अपनी उम्मीदवारी के बारे में जानकर हैरान थी और इस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। उन्होंने कहा कि वो संविधान में निहित राष्ट्रपति की शक्तियों के अनुसार काम करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो निर्वाचक मंडल के सदस्यों से उनका समर्थन के लिए संपर्क करेंगी। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की बात माने तो वो हैरान है। उनका कहना है कि इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, ज्यादा बोलना नहीं चाहते। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, संविधान में राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां हैं मैं उसके अनुसार काम करूंगी। अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होना है। निर्वाचित होने पर वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगे। जानकारी देते चलें कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से किसी प्रमुख राजनीतिक दल या गठबंधन की पहली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया। द्रौपदी ओडिशा के एक पिछड़े जिले मयूरभंज के एक गरीब आदिवासी परिवार से आती हैं और गरीबी और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मुर्मू अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायर रंगपुर में टीचिंग भी कर चुकी हैं। 20 जून 1958 को जन्मी मुर्मू ने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से बीए किया। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीतिक करियर की शुरुआत राय रंगपुर NC के उपाध्यक्ष के रूप में किया था और 2004 के बीच राय रंगपुर से ओडिशा विधानसभा की सदस्य बनी। एक मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन और वाणिज्य, पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों का कार्यभार संभाला। 2004 से 2009 तक ओडिशा विधानसभा में फिर से विधायक के रूप में उन्होंने कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक दिलचस्प जानकारी देते चलें कि 2007 में ओडिशा विधानसभा ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया। द्रौपदी मुर्मू 2013 से 2015 तक बीजेपी के ST मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य थी और 2010 से 2013 में मयूरभंज पश्चिम के बीजेपी जिला प्रमुख के रूप में उन्होंने काम किया। 2006 से 2009 के बीच वो ओडिशा में बीजेपी के ST मोर्चा की प्रमुख थे। वो 2002 से 2009 तक बीजेपी ST मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही और अब मोदी ने उन्हें देश के सबसे सर्वोच्च पद पर लाकर आदिवासी समाज का सम्मान किया है। आज़ादी के बाद आज तक इस समाज से एक भी शख्स इस पद तक नहीं पहुंच पाया और आज मोदी ने उनको उस पद पर लाकर इतिहास रचा है और समाज में बराबरी का दर्जा भी दिया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और द्रौपदी मुर्मू किस तरीके से राष्ट्रपति पद तक पहुंचती हैं और कैसे कार्य करती हैं।